तो हेलो गाइस, मैं हूं नानू और आप सभी लोगों का स्वागत है नानू के सफर में। और आज नानू के सफर में मैं आ चुका हूं भोपाल में न्यूली ओपन रेस्टोरेंट काके दी हट्टी में। एक टूरिस्ट रेस्टोरेंट है जहां पर आपको जैन फूड भी अवेलेबल है। तो मैं उन सभी जैन्स के लिए ये बोलूंगा कि अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पे भोपाल न्यूली ओपन आ सकते हैं काके दी हट्टी में। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं ट्राई करने के लिए आ चुका हूँ इंडिया बिगेस्ट नान। साथ में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं 33 टाइप्स ऑफ नान। तो मैं यहाँ पे मिनी इंडिया का सबसे बड़ा नान ट्राई करने के लिए आया हूँ। तो चलिए मेरे साथ अंदर चलते हैं और यहाँ का एम्बियंस चेक करते हैं। सो ये है काके दी हट्टी का मेन्यू, जहाँ पे सबसे पहले है स्टार्टर्स, दिस वन इज तंदूरी, और यहाँ पे है सारे चाइनीज आइटम्स। यहाँ पे आपको मोमोज भी सर्व किए जाते हैं। यहाँ पे अगेन चाइनीज आइटम्स, यहाँ पे राइस, नूडल्स एंड कॉम्बोज भी दिया जाता है। अब बात आती है इंडियन ब्रेड्स की, जहाँ पे सबसे पहले प्लेन नान, यहाँ पे उसमें इंचेस दिए गए हैं, लाइक 6 इंचेस सबसे छोटा वाला होता है, 10 इंचेस का मीडियम होता है एंड 14 इंचेस का लार्ज होता है, जिसे काके नान कहते हैं। सो इनके यहाँ पे 14 इंचेस का सबसे बड़ा नान होता है। प्लेन नान का प्राइस 99 रुपीज है। सो यहाँ पे है जैन मीनू, जहाँ पे स्टार्टर्स हैं। और मेनली जैन फूड में होता क्या है कि ना ही ओनियन और ना ही गार्लिक का यूज किया जाता है, तो उसमें जितने भी यहाँ पे फूड है उसमें गार्लिक और ओनियन का यूज नहीं किया गया है। ये मेन कोर्स और स्टार्टर्स दिए गए हैं जैन मेनू। इसके अंदर देखिए हरा हरा धनिया, बहुत सारे पनीर, ये देखिए ऊपर बढ़िया तरीके से भरने में लगा के दिया है। सो अब मैं क्या करूँ, इंडियन स्पेशल नान के साथ बटर पनीर मसाला। नान तो बेहतरीन है, हर बाइट में नान का टेस्ट आता है। सिर्फ पनीर स्टफिंग की गई है सर, कोरिएंडर और पनीर दोनों का बढ़िया तरीके से टेस्ट आ रहा है। और स्टिकी टेक्सचर के साथ में पनीर तो भाई लाजवाब है, सही में गाइस तो गजब का पनीर है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पॉन्जी। साथ में इसका जो टेक्सचर देख सकते हैं कितना थिकिस्ट टेक्सचर है। तो नान को मजाक के साथ भी ट्राई कर लेते हैं। अचार और नान का कॉम्बिनेशन तो गजब का है, इतना टेस्टी लग रहा है ना, मतलब पनीर, पनीर बटर मसाला और नान के साथ टक्कर दे सकता है, इतना टेस्टी कॉम्बिनेशन बना है। साथ में एक और चीज़ बता दूँ, नान बटर मसाला बढ़िया टेस्ट है। ये आप देख सकते हैं कि जो बटर का यूज़ किया गया है, मैंने इतना बटर लगा दिया है कि मेरा पूरा हाथ बटर बटर हो रहा है। सभी मैंने भी ट्राई कर लिया है काके दी हट्टी का फेमस एंड इंडिया बिगेस्ट बिरयानी पनीर नान। बटर पनीर मसाले तो गजब का, इसकी हर एक छोटी छोटी फ्रेगनेंस जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज किया है उसका टेस्ट आ रहा है, फ्रेगनेंस आ रही है और अरोमा भी बेहतरीन आ रही है। और सबसे उनके लिए जो जैन है, यहाँ पे जैन फूड भी अवेलेबल है और ये पूरा रेस्टोरेंट प्योर वेज है। मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप भी काके दी हट्टी पर आइए। इसका एड्रेस है एमपी नगर जोन 1 मिलर स्वीट एंड रेस्टोरेंट के जस्ट लेफ्ट साइड में, आपको यहाँ पे दिख जाएगा बड़ा बड़ा काके दी हट्टी लिखा हुआ है सिंस 1942। सो मेन बात अगर देखें तो उसको 1942 से हो चुके हैं लगभग 80 साल। 80 साल में दिल्ली 6 में था, वहां से इतना फेमस हुआ कि भोपाल में भी इसकी फ्रेंचाइजी आ चुकी है।
सो मिलते हैं नानू के साथ में न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टिल देन बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग। इतने ही फिनिश मेरे से हो पाता है कि नहीं, बिकॉज इतना सारा अभी भी रखा हुआ है, मैं अभी तक इसका ओनली फर्स्ट पीस भी खत्म नहीं कर पाया हूँ। मेरे लिए तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं लग रहा, इसे पैक करवाना ही पड़ेगा। बट टेस्ट बेहतरीन है।